नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजीव, और एमएमबी डॉग लवर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ एक बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आया हुआ है मेरे पास, जो कि पूरा का पूरा जितना भी आप देख रहे हैं वो सब शैम्पू है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला प्रोडक्ट जो है हमारे पास हिमालय एरिना ईपी शैम्पू, ये एक शैम्पू है। और एक और हिमालय का प्रोडक्ट आता है एरिना, जिसमें पपी का है, शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों एक साथ है। ये सिर्फ शैम्पू है और ये एक शैम्पू प्लस कंडीशनर है। ये दोनों ही बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप ये लेमन फ्रेग्रेंस में आता है और ये 2-in-1 फॉर्मूला है जो कि पपी के लिए है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आपको बता दूं मैं कि फ्रेश क्लीन एंड हेल्दी कोट, कोट के लिए ये बहुत बढ़िया है, और टिक्स एंड फ्लीज के लिए ये है, जो कि सिर्फ शैम्पू जो है ये टिक्स और फ्लीज के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये पपी के लिए है जो कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, शैम्पू प्लस कंडीशनर जो है पपी के लिए जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये क्यों अच्छा है। सॉरी ये गिर गया, कोई बात नहीं, होता है। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, तो ये 2-in-1 जो है ये पपी के लिए है, और ये बहुत अच्छा है कि मतलब ढक्कन खोल के कितना निकालना है उसका झंझट नहीं है। इसमें क्या है कि बस आप इसको टैप करें और टैप करके ऐसे निकालें, हाथों पे रब करें, और आईज पे नहीं लगाना है डॉग के, वो गर्दन से जो यहाँ का पोर्शन जो है यहाँ से पीछे आप पूरे बॉडी पे अप्लाई करें इसको, फेस पे अप्लाई ना करें, फेस पे नहीं करना चाहिए। और पूरे बॉडी पे उसको लगाने के बाद पहले बॉडी को पूरा भिगा लेना है। और हाँ, बॉडी को जब भी आप भिगोए तो वो बिल्कुल ऐसा पानी होना चाहिए आपके पास जो हल्का गुनगुना हो। हल्का गुनगुना पानी से पहले पूरे बॉडी को वॉश कर लें, उसके बाद ये शैम्पू हाथ में लें और उसके पूरे बॉडी पे अप्लाई करें, हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे रब करें उसके बॉडी पे, और कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको छोड़ें, और उसके बाद फिर उसको धो दें, और उसके बाद सूखे कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछ दें। तो आपका डॉग का शाइनी स्किन और उसके बाद कोट उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा। तो उस चीज के लिए ये बहुत अच्छा शैम्पू है जिसमें कंडीशनर मिक्स है। जैसे कि आप लोग खुद अगर शैम्पू यूज करते हैं और शैम्पू के बाद कंडीशनर जब यूज कर लेते हैं आप, तो देखते होंगे कि बाल आपके बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए ही है ये, और ये बहुत बढ़िया है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है मैं आपको बता दूं, 200 ml का जो प्राइस है वो 300 रुपया इस पे दिखता है, 300 रुपया इस पे बताया जा रहा है, और ये हिमालय का है जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और सेम ये भी है, इसमें सिर्फ शैम्पू है और ये एडल्ट के लिए है। तो आप इसको, ये 200 ml का जो है इसका प्राइस जो है आपको 250 रुपए का है, तो ये भी आप ले सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है पेट स्टार का, जो कि बहुत बढ़िया है। ये है नीम एंड एलोवेरा शैम्पू, शाइनी एंड सॉफ्ट हेयर कोट, जेंटल टू स्किन, रिफ्रेश स्किन। ये 200 ml का जो प्राइस है इसका 225 रुपए का, और इसमें भी सेम अप्लाई कैसे करना है, सेम मैंने जो बताया पिछले वाले में कि ऐसे लेना है, उसके बाद बॉडी पे अप्लाई करना है, फिर धो देना है, और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ देना है, जिससे आपका डॉग के आंखों में नहीं जाएगा। आंखों में नहीं जाएगा तो डॉग ज़्यादा उछल पुछल नहीं करेगा, तो बिल्कुल आराम से वो धुल जाएगा इससे। और एक और आता है, ये है मैनकाइंड का, आपको मैनकाइंड का ये है एक्स्टिक, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, एक्स्ट्रिक बोल सकते हैं इसको, शैम्पू एक्स्ट्रिक शैम्पू। और ये 200 ml का प्राइस है 220 रुपए, और ये डॉग और कैट दोनों के लिए ही है, और ये सब भी डॉग एंड कैट दोनों के लिए ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये एंटी टिक्स शैम्पू है, अगर आपके डॉग को टिक वगैरह अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगाने का तरीका सेम ही मैंने बताया, 5 से 10 मिनट तक आपको इसके उसके बॉडी पे आपको छोड़ना है और उसके बाद वॉश कर देना है। तो इसको भी आप ले सकते हैं, मैनकाइंड का है प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया है पेट के लिए। और
एक और प्रोडक्ट आता है हमारे पास विवाल्डिस के तरफ से, ये है आपका वॉश फॉर एलर्जिक स्किन कंडीशन। अगर आपके डॉग का एलर्जी हो जाता है स्किन पे, कोई भी शैम्पू वगैरह आप यूज करते हैं तो उसके बॉडी पे इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है या उसको सूट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में भी आप ये शैम्पू यूज कर सकते हैं, एलर्जी नहीं होगा इससे। ये एलर्जिक स्किन कंडीशन के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इसका प्राइस जो है 200 ml का जो प्राइस है वो है 300 रुपए का। तो आप ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये भी एक बार आप अपने डॉग को लगा के देखें, बहुत अच्छा। अप्लाई करने का सेम कंडीशन है, सेम जो मैंने पहले बताया है। और एक और आया है विवाल्डिस के तरफ से ही है, एक साइट करके है, और ये जो है फ्लीज टिक्स और लीस के लिए है। तो इसका प्राइस जो है आपको 200 ml का है 220 रुपए। और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये भी इसको भी मैंने ट्राई किया हुआ है, विवाल्डिस की तरफ से आता है, तो आप इसको भी एक बार लेके देख सकते हैं। बाकी ये सारे के सारे जितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं वो सब के सब अच्छे हैं। और एक प्रोडक्ट और आता है मेरे पास जिसका नाम है आपको स्मार्टीपेट की तरफ से आता है ओह माई डॉग। तो ये बड़ा है, ये 400 ml का, 500 ml का ये आता है, ये 400 है कि 500 है, नहीं 500 ml का है ये। और ये 500 ml का प्राइस जो है 400-450 के बीच में आता है, तो ये आप ले सकते हैं। अल्टीमेट पेट शैम्पू है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला शैम्पू है। किसी भी दुकान में आप जाएंगे तो सबसे पहले जो है या तो हिमालय आपको हाथ में पकड़ा देंगे, या तो आंख बंद करके, ये अगर बड़ा पैक चाहिए होता है तो आपको बिना पूछे बोलेंगे आप शैम्पू चाहिए, तो वो क्या करेंगे ये देंगे, हाँ लीजिए बहुत बढ़िया शैम्पू है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये वाकई में बहुत बढ़िया शैम्पू है, इसको भी मैंने यूज किया हुआ है। तो आप जितने भी ये प्रोडक्ट देख रहे हैं आप इसमें से कोई भी आप जैसा आपके डॉग को जो जरूरत है तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं उसके बॉडी पे। और हाँ, खास करके मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप अपने डॉग को जितना हो सके बचाएं, ज्यादा से ज्यादा मतलब नहलाने का कोशिश ना करें, सप्ताह में नहीं तो 10 दिन में एक दिन नहा दिया, सप्ताह में एक दिन नहा दिया, 15 दिन एक दिन, 20 दिन में नहाएं। ज्यादा अभी नहाने का मतलब बनता नहीं है, आप उस जगह पे आप कर सकते हैं कि फोम वगैरह जो आता है आप फोम अप्लाई करें अपने डॉग पे, और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दें, तो उससे क्या होगा कि आपके डॉग को ठंड भी नहीं लगेगी और आपका डॉग के अंदर से अच्छा सा खुशबू भी आता रहेगा। तो उस जगह पे आप सॉरी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं तो बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूले। चलिए धन्यवाद।